हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। चंदन जी, क्या हुआ? किस क्या दिक्कत है? पेमेंट क्यों नहीं कर रहे अपने कार्डों की? चीज के कार्ड? अच्छा, नहीं पता क्या? आपके बाप को भी गाली दी कर सकते थे आपको, उसको भी दिया पता चला। अरे यार, पता ही नहीं चला, वरना तुम्हारी माँ बहन की सुरंग खोद देता अगर पता चल जाता तो। पता ही नहीं चला आपको? वरना तेरी माँ बहन की सुरंग खोद देता, हमने चौड़ी कर देते एकदम। अरे यार, अगर पता, मुझे पता होती तेरी माँ बहन की सुरंग खोद देता, वहीं आके एकदम चौड़ी कर देता, एकदम एकदम पानी वार कर देता। आपके फोन में रिचार्ज करवा नहीं पा रहे हो, टंगले हो रखे हो। अबे तेरी मम्मी की सुरंग खोद देता और बहन की एकदम पानी पानी कर देता एकदम। तुम्हारी मम्मी रो, तुमने पूछा नहीं, टपाटप कर देता है, पता ही नहीं यार। भगे हो, टीवी का पोस्टपेड रिचार्ज नहीं हो पा रहा तुमसे। मैं बोल तो रहा हूँ, पोस्टपेड रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती बाबू। ऐसे कंगले लोग हैं। नहीं, अगर मुझे पता होती ना, तूने गाली में वहां पर आके ना तेरी मम्मी बहन की सुरंग चौड़ी कर देता एकदम पानी पानी कर देता। तुम्हारी वंदना थी वर्कर, वो भी गालियां दे रही थी, वो भी गल्ला है। अच्छे ऐसा कहती थी? अरे उसकी मैंने सुरंग 2 महीने से चौड़ी नहीं करी ना, पिछली बार की। हेलो, हाँ जी, नीरज कुमार जी बात कर रहे हैं। और सर, लंच टाइम हो गया? जी सर, मेरा लंच टाइम हो गया आपका? नो सर, अभी कितने बजे होता है सर? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ कितने बजे होता है सर? 2 बजे होता है सर। अच्छा सर, बताइए नीरज कुमार जी की बात कर रही है। जी सर, बताइए, नीरज कुमार गिरी बात करता हूँ। अच्छा अच्छा सर, ये आपका पर्सनल लोन चल रहा था सर, इसकी पेमेंट थी सर, यस बैंक से बात कर रहा था सर। अभी तो पेमेंट देखो हो नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है। जी सर, फिर भी कब तक हो पाएगी सर ये? सर अभी हो पाएगी, आप मान लीजिए 1-2 महीने लग रहा है, मल्टीपल डेप्ट है जी। इसलिए सर इतना टाइम लग जाएगा वो, इसलिए सर जी सर जैसे एक ईएमआई भी पे कर सके सर। नहीं सर, मल्टीपल डेप्ट है, एक ईएमआई करे कम से कम 50-60 हजार रुपए की तो ईएमआई जानी है। नहीं सर, तो फिर कैसे चलेगा आप? तो ये सर हो सकता है, अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो सडन। ठीक है सर, मैं बात करके फिर आपको बता। ठीक है, तो हेलो, क्या हुआ? हेलो सुरेश, हाँ, पेमेंट की रिगार्डिंग तुम करती भाई, पेमेंट करा दोगे? पेमेंट किस चीज की पेमेंट है ये? क्रेडिट कार्ड की भाई। क्रेडिट कार्ड तो मेरे ऊपर 8 है। कौन सा क्रेडिट कार्ड? कितने ले रहे हैं सबकी कर दो ना भाई। सबकी तो मैं तो ये करूँगा, 6 महीने बाद इसका सेटलमेंट करूँगा। 6 महीने बाद सेटलमेंट क्यों करोगे भाई? पैसे नहीं है ना मेरे पास देने के। हाँ तो मेरी अटक है, तभी तो बता रहा हूँ सेटलमेंट करो। सेटलमेंट से कोई हेल्प होगी? पेमेंट कराऊंगा ना मैं, अपनी मर्जी से करूंगा ना, मेरी अटक है, मैं देख लूंगा आपको क्या दिक्कत है। कोई नहीं, और बताओ सर, घर परिवार में सब बढ़िया? हमारे तो बढ़िया ही है भाई, बस ऐसे ही बढ़िया रहना सर। बाकी मेरे थोड़ा टेंशन आ गया, ये क्या करें, मल्टीपल डेप्ट हो गया, कर लेंगे सेटलमेंट, क्या टेबल ही तो खराब होगा भाई। पता है क्या, मैं जो है ना TL था, रिकवरी एजेंसी में, इसलिए पता है। कोई बात नहीं भाई, वरना 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 आपको तो पता है, आपको तो पता है रिकवरी वाले कैसे मारते हैं कस्टमर की। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है नहीं, मस्त चल रहा है जीवन। कोई इशू सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, वैसे ये तो बता देते कौन सी बैंक की तरफ से कॉल किया। अरे 8 बैंकों का है, मुझे क्या पता, आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं बताया, कुछ नहीं होता, क्रेडिट कार्ड बोल दिया, ऐसा थोड़ी काम होता है। एक बार बताओ तो सही, चलो फिर आप बताने नहीं चाहते, पता नहीं आप शर्मा गिर रहे नहीं दुल्हन की तरह। चलो कोई नहीं,
हेलो आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है मैडम। अनुराग कुमार जी बात कर रहे हैं। मैडम आपका लंच टाइम कब होता है? क्यों सर? मैडम मैं पूछ रहा था एजेंसी वालों का लंच टाइम वैसे तो 2 बजे होता है, आपका कौन कितने टाइम का होता है? सर मैं लंच टाइम के लिए पेमेंट की बात कर रही हूँ। मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका लंच टाइम कितने बजे होता है? सर लंच टाइम में मैं पेमेंट की बात कर रही हूँ। लेकिन मैडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका लंच टाइम कितने बजे होता है? सर 2 बजे होता है। अच्छा मैडम। हाँ हाँ मैडम किस चीज की पेमेंट है? स्मार्टफोन सर बात कर रहे हो? ये स्मार्टफोन से लोन ले रखा आपने 20,000 का, पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो? मैडम मुझ पर मल्टीपल डेप्टर्स हैं, पेमेंट अभी कर नहीं पाऊंगा। क्या मुझ पर मल्टीपल डेप्टर्स हैं, अभी पेमेंट कर नहीं पाऊंगा। तो सर कब फिर कब करोगे आप पेमेंट? मैडम यही कुछ 1 महीना लग जाएगा, 1-2 महीना। ऑलरेडी सर आपको 1 साल होने वाले पेमेंट क्यों है? मैडम फंसा हुआ हूँ पर्सनल लोन में, मतलब मैंने भाई बंधुओं से लोन ले लिए थे वो चुका रहा। सर आप एटलीस्ट पूरा नहीं पे कर सकते कि ईएमआई करके पे करिए सर? आपका क्रेडिट स्कोर खराब और आपको पता है ना क्या करूँ मैडम, पैसे आए नहीं। अरेंज करिए ना सर, फैमिली फ्रेंड्स अरेंज करके आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि। मैडम एक बात तो बताओ, मैडम और कितना क्रेडिट स्कोर खराब हुआ 1 साल से पेमेंट नहीं की, क्रेडिट स्कोर की तैसी तैसी हो गई होगी। सर आप पेमेंट नहीं करा रहे उसके लिए तो खराब हो रहा है। तो मैडम इससे ज्यादा भी खराब हो सकता है क्या? सर इससे ज्यादा आपके कंपनी ने लीगल नोटिस भेज दिया, आपके यहाँ फील्ड विजिट हो सकता है। ओके मैडम आप फील्ड विजिट करवा दो ऑथराइजेशन लेटर विद एम्प्लॉयमेंट आईडी के साथ। नो टेंशन। वैसे मैडम आपका नाम क्या बताया? सर राजेश्वरी। ठीक है राजेश्वरी जी, आप यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर विद एम्प्लॉयमेंट आईडी के साथ फील्ड विजिट करवा दो। ठीक है सर, आपको कंपनी ने लीगल नोटिस ऑलरेडी सेंड आउट कर दिया है क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसके कारण आपके यहाँ फील्ड विजिट हो सकता है। आप टाइम मांग रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे सकता, ऑलरेडी आपको 1 साल हो गया पेमेंट किए हुए। ठीक है सर? ठीक है मैडम। हेलो हेलो। हाँ मैडम। सर नारी फाइनेंस से बात कर रही हूँ, आपका पेमेंट ड्यू है सर कब तक होगा? पेमेंट ड्यू मैडम आप ये बताओ, आपको मैडम इतना तो सेंस होना चाहिए, आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो तो कस्टमर का नाम कन्फर्म कर लो कौन है, बस आप नारी फाइनेंस से बोल लियो पेमेंट का, ये बोल दिया ना आपने नाम कन्फर्म किया, ऐसा होता है रिकवरी? मेरी बात सुनिए सर, मैं एक्चुअली बाहर थी एकदम से आपसे कॉल उठे इसलिए मैंने बोल दिया। तो मैडम पहले कस्टमर का नाम कर रहे हो ना? हाँ मैडम आपका नाम? फायर कंट्रोल सर, मैंने ऑलरेडी आपको फोन भी किया था कल, एक बार को कॉल भी किया और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया होगा। मैडम दोबारा बोलना, कोई रिप्लाई नहीं। मैडम दोबारा बोलना अपना नाम, मुझे सुनाई नहीं आया। पायल पंचाल सर। अच्छा मैडम, मैडम ये नाभि फाइनेंस का पेमेंट तो मैडम अभी हो नहीं पाएगा, तो सर कब तक होगा? वही कहा ईएमआई करवा दो ना सर, एक आगे लीगल में ये क्या डिजिटल आप पेमेंट करोगे तो मतलब सिविल भी आपका ठीक होगा? मैडम सिविल तो आप खराब हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेरे को मल्टीपल लोन है इसलिए अभी पेमेंट कर नहीं पाऊँ। आपको मिलना होगा कहाँ पे आ सकते हो? मैडम जो एड्रेस है उस पर ही आ जाओ, जो एड्रेस है उस पर ही आ जाओ। अगर आप सुन तो लो मैडम, बोलिए नहीं आप पहले मैं बोल लूँ या आप बोल लो? हाँ मैडम वही तो सुन तो लो पूरी, आप आ जाओ ऑथराइजेशन लेटर विद एम्प्लॉयमेंट आईडी के साथ भेजना एग्जीक्यूटिव को, जब भेजो। हाँ हाँ सर एग्जीक्यूटिव को भेज दूंगी ऑथराइजेशन लेटर विद एम्प्लॉयमेंट आईडी के साथ। ओके मैडम सर, पेमेंट करने में क्या इशू है? मेडिकल इशू या क्योंकि मुझे भी क्या अपडेट करवाना पड़ेगा ना? मैडम ये आप मानते चलो मल्टीपल डेप्ट है ना, डेप्टो में गिरा हुआ हूँ। मैडम मल्टीपल डेप्ट है, लोनों में गिरा पड़ा हूँ, मल्टीपल लोन है। देखो सर इतना आपके तो इसका तो 5,951 का एक ईएमआई है। मैडम इस समय मुझे जो जॉब है ना मेरी 10,000 रुपए सैलरी महीने की, जॉब छूट गई थी मेरी।
मैडम मल्टीपल लैपटॉप में गिरा हुआ हूँ। सीसीटीवी सर आपके घर पे आया होगा शायद। कोई नहीं मैडम, आया था मैं, आया था बाकी अब दोबारा भेज दो, ट्राई से लेटर पे सप्लीमेंट आए देखिए सर, दोबारा मिल लेंगे क्या देखते हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी वैसे तो मैनेजर से बात करके मैं आपको कॉल पे करूंगी सर। ठीक है मैडम, मैनेजर से आप बात कर ले, मैडम मेरी करा दो, मैनेजर से मैं कर लूंगा। ओके सर, मैनेजर से मैं बात करा लूंगी, अभी वो है नहीं, एक मीटिंग में थी। ओ अच्छा मैडम, आप कौन सी एजेंसी से बोल रही है? सर मैं तो बेंगलोर से बात कर रही हूँ डिपार्टमेंट में, बट यहाँ पे एजेंट है हमारे अहमदाबाद में। अच्छा ठीक है मैडम, तो आप एजेंट से बोल देना, एग्जीक्यूटिव से आ जाएगा। मेरे मैनेजर भी इधर है सर अहमदाबाद में। ठीक है मैडम, ओके थैंक यू सर। हेलो गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. We are calling from 5 Mr. Rahul Kumar, the call regarding for the EMI repayment, sir. Can you speak Hindi? I am comfortable in Hindi. Rahul Kumar, जो बात कर रहे हो? हाँ. Payment के regarding call है. Payment नहीं किया आपने अभी तक? 29 दिन हो गए sir. 33 का payment है? 5 company का. अच्छा 5 company का. दे देंगे sir, अभी थोड़ा time और लगेगा. क्या? दे देंगे थोड़ा time और लगेगा. हाँ. दीजिए फिर अभी payment कीजिए sir. आपने सर ढंग से नहीं सुना, मैंने कहा दे देंगे अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। हाँ तो कीजिए ना, अभी टाइम हो गया सर, जितना टाइम दिया था उतना टाइम इनफ है सर। अभी सर थोड़ा और चाहिए? नहीं नहीं मिल सकता सर। ठीक है सर, पेमेंट टाइम नहीं बढ़ते। ठीक है, पेमेंट भी नहीं मिल सकती, पेमेंट भी नहीं मिल सकती। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ पेमेंट भी नहीं मिल सकती। या ये इसको मतलब आप रिकॉर्डेड कॉल पे बोल रहे हैं ना सर? हाँ रिकॉर्डेड कॉल पे बोल रहा हूँ, पेमेंट नहीं मिल सकती आप। ठीक है चलेगा कोई नहीं। अच्छा आपने रिकॉर्डेड कॉल पे बोल दिया कि रिकॉर्डेड कॉल, ठीक है इसको ना, इसको ना, इसको ना आप ऊपर भेजो और मुझे पुलिस थाने या तो पुलिस में मतलब जेल करा दो, या छोड़िए वो सारी चीजें, वो सारी चीजें हम करते नहीं सर। लीगल नोटिस के लिए जो है सर एक कर देते हैं सर। लीगल नोटिस सर प्लीज सर, लीगल नोटिस देखना, क्योंकि यहाँ पे ना एक कमरा भर चुका लीगल नोटिस का, मैंने मल्टीपल टैप कर रखा, लीगल नोटिस रोज आते हैं, रोज कबाड़ में डालने पड़ते हैं। रोज आते हैं ये, रोज आने के, ये रोज आने वाले न्यूज़पेपर नहीं है। ओके अरे सर रोज आते हैं सर, यहाँ पे एक कमरा भर गया लीगल नोटिस का, पता समोसे रख के ओके बोल रहे ना, उतना सोच के बोले कि क्या बोलना, क्या किधर क्या बोल रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ, कभी कभी समोसे रख के खा लेता हूँ लीगल नोटिस डाल दें। कम से कम 10 किलो रद्दी हो गई है लीगल नोटिस की। नहीं 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 काम कीजिए सर, अभी जितना बोल रहे हैं ना सर उतना सामने हमारे जो टीम आएंगे सर उनके सामने ऐसा बोल के देखो। ऑथराइजेशन लेटर विद एम्प्लॉयमेंट आईडी के साथ यहाँ पे अभी का भी भेजो, तो भेज सकते हो, जल्दी भेजो। सब रहेंगे सब, हाँ वही तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऑथराइजेशन लेटर विद एम्प्लॉयमेंट आईडी के साथ अभी भेजो, क्योंकि यहाँ पे ना 10 किलो मेरे पे टक्का लग चुका है, 10 किलो का लीगल नोटिस का, समोसे कभी कभी निकाल के जाना, समोसे खा लेता हूँ, लीगल नोटिस जाना सर। ओके है, आप जिस लोकेशन से बाकी में जाना, ठीक है लीगल नोटिस भेजना यार, मेरे पे बहुत है यहाँ पे, समोसे निकाल के खा लेता हूँ, निकाल के लीगल नोटिस को समोसे रख कर खा लेता हूँ। नहीं 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 सिर्फ आप कहीं बात में जाना बस, ऑथराइजेशन लेटर विद एम्प्लॉयमेंट गारंटी के साथ जल्दी से भेजो, मैं तो यहीं लेता हूँ आराम से मस्त एकदम एसी की हवा में, जल्दी भेजो। ठीक है चलेगा, धन्यवाद समय देने के लिए। 5 दिन कॉल काट दो सर, ये पर्सनल बातें भी सुनोगे आप, कॉल कट कर सकते हो ना सर, वही तो कह रहा हूँ आप काट दो, पर्सनल बातें भी सुनोगे। धन्यवाद समय देने के लिए। 5 क्वेश्चन दें। यार पता है 5 वाले कितने पागल हैं। हेलो भाई, हेलो हेलो, हाँ हाँ चंदन जी बताइए, कैसे हैं चंदन जी? बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम। चंदन जी आपसे बात करनी थी, आपके जो दोनों लोन चल रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उसका फंड्स की इशू जो भी है, इधर आपने ईएमआई नहीं पे की है, तो उसमें एग्जैक्टली आपका सेटलमेंट का सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उसमें, क्या करना चाहते हैं आप? किस चीज का लोन है? जो HDFC का दोनों पर्सनल लोन चल रहे हैं सर आपके, HDFC का सेटलमेंट करें। सेटलमेंट किस रीजन जान सकते हो सर, क्यों करना चाहते हैं आप? मल्टीपल डेप्ट है, देने की कंडीशन रहनी,
तो कैसे इसको दोनों को एक बार में निपटाना चाहते हैं, एक एक करके कैसे चाहते हैं आप? वो तो सर जैसा पैसा जुड़ेगा वैसा बताएंगे, बाकी अभी सेटलमेंट नहीं करना, अभी अगर आप वेवर दे सकते हो तो देखता हूँ। तो सेटलमेंट तो मैं ही तो वेवर मिलता है सर। हाँ तो सेटलमेंट का वेवर किसका होता है? हाँ सर एक बार बैठ कर बात कर सकते हैं सर उसके रिगार्डिंग आपसे। बैठ कर क्या सर, कॉल पर ही कर लेते हैं आपका। दो लोन है ना सर, एक होता तो समझ में आता, दोनों के रिगार्डिंग एक बार डिस्कशन अच्छे से हो जाएगा ना सर, फिर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो हाथ हाथ निकाल लेंगे। मैं बता देता हूँ सर आपको क्या कितने में सेटलमेंट करना है। मेरे पास सेटलमेंट लेटर पड़े हुए हैं ना, बार बार देखना पड़ता है मुझे, HDFC का भूल गया। अभी तो नया सेटलमेंट लेटर आया इंडसइंड का और IDFC का, पता कितने का आया जी? इंडसइंड का आया 8.5% का। 8.5% का हाँ इंडसइंड का। अच्छा और HDFC भी देख के बता दो, वो IDFC भी देख के बता दो, IDFC का भी है जी। यस सर एक मिनट होल्ड करना ठीक है। ये सर देखो ये IDFC का यहाँ 7% का, बाकी आपका HDFC का है ना जी? मेरे पास 20% का लेटर है, अगर आप 20% में करवा सको तो बता दो ना सर। उसके रिगार्डिंग एक बार आपसे डिस्कशन करने के लिए बैठ कर बात हो सकती है सर। बैठ कर मैं आपको मिल नहीं पाऊंगा ना इसलिए बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, घर पर ही मिलिए जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे। बाकी चलो मैं देखता हूँ आपको कल, आप बात करना कल बताना। कल तो नहीं परसों बात कर लूंगा आपसे। चलो ठीक है परसों कर लेना, आप नंबर सेव कर लीजिएगा। ठीक है ओके थैंक यू। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।